हाय फ्रेंड्स, इट्स समीर हियर। और आज हम करने वाले बहुत ही यूनिक पावर बैंक का रिव्यू। एक्चुअल में ये पावर बैंक प्लस चार्जिंग स्टेशन है। ये अब तक का सबसे स्लिमेस्ट पावर बैंक है जो मैंने यूज़ किया है। और साथ ही में कंपनी क्लेम करती है कि ये वर्ल्ड का सबसे पहला वायरलेस चार्जिंग ग्रुप स्टेशन है। दिस इज़ फ्रॉम द कंपनी कॉल्ड जूस्ट और इसका मॉडल नेम है जूस्ट 2.0। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसे रिव्यू करते हैं। गाइस, ये पैकेज यूएसए से आया है और इसे इम्पोर्ट करने में मुझे कोई भी कस्टम्स का प्रॉब्लम नहीं आया। सो हियर इट इज़ गाइस द पैकेज। आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। साइड में इसका कलर कोड दिया है और आप देख सकते हो बाकी बॉक्स पे कोई भी लेबलिंग नहीं है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं हम। सो हियर इट इज़ गाइस द पैकेज। तो सबसे ऊपर आपको ये चार्जिंग स्टेशन और दो कनेक्टर मिलते हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं हम। एंड फर्स्ट लुक में इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। लेट्स कीप इट असाइड और देखते हैं पैकेज में क्या मिलता है हमें। ये इसका चार्जर है। दिस आर द सक्शन कप्स। गाइस प्लीज़ नोट डैट ये रिव्यू यूनिट है। आप जब रिटेल वर्जन परचेस करोगे तो आपको फिनिश सक्शन कप मिलेंगे। एंड फाइनली आई गेस दिस आर द पावर बैंक्स। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से पैक्ड है ये। गाइस आपको ये अलग अलग वर्जन में मिलता है। अगर आप ये सिंगल पावर बैंक परचेस करोगे तो आपको ये $29 में मिलेगा, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़। अगर आप दो पावर बैंक और स्टेशन परचेस कर रहे हो तो आपको $69 में मिलेगा। और अगर आप ये पूरा किट परचेस कर रहे हो तो ये आपको $89 में मिलेगा। सो प्लीज़ नोट डैट ये आपको तीन कलर में अवेलेबल है, सिल्वर, ब्लैक एंड वाइट, या फिर आप तीन कलर का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये पावर बैंक ABS प्लास्टिक और एल्यूमिनियम से बना है और इसकी थिकनेस जो है वो सिर्फ 6 mm है। तो ये काफ़ी स्लिम है और सामने आप ब्रांडिंग देख सकते हो। और इसके बैक साइड में आपको ये क्लिप ऑन प्लग मिलता है फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। इसका डॉकिंग स्टेशन कम्प्लीटली ABS प्लास्टिक से बना है। सामने आपको जूस्ट का ब्रांडिंग मिलता है और इस डॉकिंग स्टेशन पे आपको तीन डॉक मिलते हैं, जहाँ पर आपको तीन माइक्रो USB प्लग मिलते हैं। इस पर आप पावर बैंक और अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और फाइनली आपको और एक एक्स्ट्रा डॉक मिलता है फॉर होल्डिंग द एसेसरी। डॉकिंग स्टेशन के पीछे आप देख सकते हो आपको चार सिलिकॉन के पैड मिलते हैं टू अवॉइड एनी स्किड। इसके वेट की बात करें तो आप देख सकते हो ये जो पावर बैंक है ये 50 ग्राम्स का है, जो कि काफ़ी लाइट वेट है। और डॉकिंग स्टेशन का वेट आप देख सकते हो 179 ग्राम, विच इज़ अगेन लाइट वेट, सो इट इज़ वेरी इजी टू कैरी एंड ट्रैवल। इस पावर बैंक की बात करें तो आप देख सकते हो पीछे आपको ये प्लग मिलता है और ये कम्प्लीटली स्मूथ है, कोई भी प्रोट्रूडिंग एज नहीं है, पीछे से भी नहीं है। इसे यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। सक्शन कप आपको पावर बैंक पे लगाना है और इस तरीके से पावर बैंक आपके फ़ोन पे फिट हो जाता है, ये इजीली नहीं गिरेगा, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको ये प्लग निकालना है और आपको नीचे चार्जिंग पोर्ट पे लगाना है। ये डायरेक्टली चार्ज नहीं होता, आपको ये ऑन ऑफ स्विच दबाना है और आप देख सकते हो अब ये चार्ज हो रहा है। और इस पावर बैंक पे कनेक्टर भी अच्छे से काम करता है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। ये माइक्रो USB प्लग वाला पावर बैंक है और इसमें मैंने iOS का कनेक्टर लगाया है और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप टाइप सी केबल का कनेक्टर भी इसमें लगा सकते हो टू चार्ज योर डिवाइस। इसे यूज़ करना भी काफ़ी सिंपल है, आपको बस ये चार्जर का प्लग यहाँ पर लगाना है पीछे ऑन द चार्जिंग डॉक। और उसके बाद आपको ये पावर बैंक इस तरीके से यहाँ पर लगाना है इस ओरिएंटेशन में और आपको बस इसे ऑन करना है। ये चार्जिंग डॉक तीनों पावर बैंक को 1.5 घंटे के अंदर कम्प्लीटली चार्ज कर देता है। और एक फीचर की बात करें इसके तो आप देख सकते हो ऑलरेडी आपको तीन पावर बैंक मिलते हैं जिससे आप तीन डिवाइस चार्ज कर सकते हो। बट ये चार्जिंग डॉक पे भी आप कनेक्टर लगा के सेपरेटली फ़ोन चार्ज कर सकते हो, iOS, टाइप सी या माइक्रो USB। आप किसी भी कनेक्टर को यहाँ पर लगा सकते हो और आपको फ़ोन यहाँ पर लगाना है इस तरीके से और ये डायरेक्टली फ़ोन को भी चार्ज करता है। तो टोटल आपको 3+3 6 डिवाइस साइमल्टेनियसली चार्ज करके मिल जाते हैं। अभी इसकी टेक्निकल डेटा की बात करें तो सबसे पहले आपको ऑटो कट ऑफ फीचर मिलता है, जिससे पावर बैंक कम्प्लीटली चार्ज होने पे ये चार्जिंग डॉक इसे ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है टू अवॉइड द ओवरचार्ज। उसके बाद आपको पावर बैंक में सर्किट प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे जो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है वो रिड्यूस हो जाता है। चार्जिंग की बात करें तो तीनों पावर बैंक साथ में 1.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाते हैं। हर एक इंडिविजुअल पावर बैंक 1530 mAh का है। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने इसे काफ़ी सारे फ़ोन्स पे टेस्ट किया। iPhone 6s और 7 पे ये 50% ईजिली चार्ज कर लेता है बैटरी। Galaxy S8 को ये ऑलमोस्ट 35% बैटरी चार्ज कर लेता है। एंड फाइनली इसे मैंने Redmi Note 5 Pro पे टेस्ट किया, जिसकी बैटरी ये 25 से 28% चार्ज कर देता है। एंड प्लीज़ नोट गाइज कि ये जो डेटा ही है सिंगल पावर बैंक का डेटा है,
सो टेक्निकली देखें हम तो ये 1000 mAh तक का बैकअप दे रहा है जो कि 67% इफिशियंसी है एंड इट इज़ वेरी गुड इफिशियंसी इफ़ यू कंपेयर द करंट मार्केट प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स आपने देखा ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है, इसका डिज़ाइन काफ़ी प्रैक्टिकल है और इम्पॉर्टेंटली ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है तो आपको कैरी करने के लिए भी आसानी होगी। इसमें आपको लाइपो बैटरी मिलती है तो इस पावर बैंक की लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा होने वाली है कम्पेयर टू द अदर पावर बैंक्स जो आपको काफ़ी चीप रेट पे मिलती है। सो गाइज अगर आपका बजट ज़्यादा है एंड आप प्रीमियम प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। सो दैट वॉज इट फ्रॉम टुडेज रिव्यू। अगर आप इस चैनल पर नए हो देन प्लीज़ क्लिक हियर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल या फिर नीचे रेड बटन दबा दीजिए एंड प्लीज़ हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि मेरे अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ अब तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।